साहब रामलीला पावंडर इंडिया टीवी। दो साल बाद पूरा महाराष्ट्र त्योहार मना रहा है और दही हंडी मानो महाराष्ट्र का एक फेमस त्योहार है जहाँ पे युवा ऊर्जा हिस्सा लेती है और हर इसमें रणवीर वाजपेयी ने दही हंडी का कार्यक्रम रखा था जहाँ पे पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता और महापौर आए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो दही हंडी था काफी स्पेशल दही हंडी था, कोरोना का दही हंडी जो महापौर ने फोड़ के ये उत्सव मनाया। आइए बात करते हैं क्या कहना है पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता का और महापौर मैडम का और रणवीर वाजपेयी का। नहीं, मैं सबसे पहले देशवासियों को शहरवासियों को आज के जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैं रणवीर वाजपेयी जी, उनके टीम को, रॉयल कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स क्लब के सभी टीम मेंबर का दिल से अभिनंदन करता हूं कि पिछले दो साल से हम कोविड के कारण ये उत्सव नहीं मना पाए और आज ये उत्सव हम बड़े धूमधाम से मना रहे। तो इस क्लब ने और रणवीर वाजपेयी जी उनकी टीम ने बहुत ही सुंदर तरीके से हंडी का आयोजन किया और एक संदेश देने का ही प्रयास किया। हमारे शहर के मेयर के हाथों उन्होंने कोरोना की हंडी फोड़ी, मतलब हमने कोरोना पे हमने मात किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम कहीं भी डगमगाए नहीं, जो जो साधन लगे वो मोदी जी ने सभी जगह पहुँचाए और इस मीरा भाईंदर के अंदर भी कोरोना से हमने मुकाबला अच्छी तरीके से किया और इस हंडी को फोड़ के इसका समापन किया, ऐसे कहने में कोई हर्ज नहीं। और लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अब ये त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाइए, आने वाले गणेश उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाइए। हम सब शहर में मिलके एक अलग उत्साह साथ मनाएंगे। दो साल की जो कसर थी वो अब हम निकालेंगे, ऐसी शुभकामनाएं मैं सभी को देता हूँ। मैडम बताइए, आज ये कोरोना की हंडी आपने फोड़ी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मीरा भाईंदर शहर में सभी शहरवासियों को आज प्रथमता मैं दही हंडी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज यहां पे वाजपेयी जी तथा रॉयल कॉम्प्लेक्स के सभी पदाधिकारियों ने कोरोना की दही हंडी रखी थी। ये अलग दही हंडी का एक ही मतलब मकसद था कि यहां पर जो भी मतलब दो साल के अंदर जो भी पीड़ा तकलीफ़ हमारे शहरवासियों को हुई है उसे हमने सभी के सहकार्य से नष्ट किया है और इसी प्रकार जो भी हमारे शहर में जो भी तकलीफ होगी मतलब घटनाएं होगी अलग तरी से जो भी संकट आएगा उसके ऊपर हम सभी शहरवासी मात करेंगे, इकट्ठा होकर हम उसका सामना करेंगे। कोरोना की दही हंडी फोड़ी है यहाँ पर महापौर के हाथों, क्या कहेंगे? जी, कोरोना की दही हंडी फोड़ने का कारण ये है, हमने उस हंडी में मीठी चॉकलेट भी रखी थी कि जब भी कोई बुरा वक्त निकलता है उसके बाद एक अच्छा वक्त आता है, तो वो हंडी फूटने के बाद उसमें जो मीठी चॉकलेट निकली वो हमने महापौर मैडम के हाथों से बच्चों को बंटवाई और एक मैसेज देने का प्रयत्न किया कि हमने जो दो साल बुरा वक्त माननीय महापौर जी ने जो संभाला उसमें ये हंडी फोड़ने का मान भी उन्हीं का बनता था। हमने सोचा कि हम किससे फोड़वाएं ये हंडी और माननीय महापौर ने बहुत ही कम समय पे इसके लिए तैयार हुई कि ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, आप एक अच्छे काम को एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हो, तो मैडम ने कम वक्त में आके इस पे हमें सम्मानित किया कि वो आ पाई, उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। रॉयल कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब के पूनम सागर के सभी रहीवासी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो कम समय पे आके ये फोड़ी और आगे भी हम सारे कार्यक्रम इसी धूमधाम से मनाते रहेंगे। और ये हमारी एकमात्र हंडी है जो मैं देख रहा हूँ शहर में, जो 15वां साल है, असली में ये 17 साल हो गए हैं, बट कोरोना के दो साल हम नहीं फोड़ पाए थे, नहीं कार्यक्रम कर पाए थे और आगे भी आने वाला वक्त, और मैं आपसे निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि हमारे इस पूनम सागर में बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, एकमात्र आरजी ग्राउंड है जहाँ पे एक डेकोरेटर का सामान रखा गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अगले दहीहंडी से पहले वो ज़मीन खाली कराएं, उसके लिए हमें अनशन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े और पूनम सागर के ये बच्चों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को उस डेकोरेटर का सामान बाहर फिकवा के वहाँ पे अगला कार्यक्रम हम भव्य रूप से कर सके और इसमें आप सभी पत्रकारों का मुझे साथ मिले, हम कोई भी अनशन आंदोलन करें ये भी हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। और इसी मंच से हम घोषणा करना चाहेंगे कि अब वो आरजी की जो ज़मीन है मीरा भाईंदर पूनम सागर के बच्चों की, वो हम अब हासिल करके रहेंगे।